आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त चेतना और बिंदास उनके लेकर फिर से हाजिर हो चुकी हूं और आज बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे को लेकर बात करने वाली हूं। दोस्तों क्या है ना कि जो जिंदगी मिली है ये बहुत ही अनमोल तोहफा है भगवान का हम सबको और इसे बहुत अच्छे से और बहुत ही पॉजिटिव वे से हमें जीना चाहिए। आज मैं बात करूंगी पेरेंट्स को लेकर। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना बच्चों को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उनकी प्राइवेसी में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं जो कि आजकल के बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पहले का माहौल और था कि हम हर चीज हर बात अपने पेरेंट्स से पूछकर किया करते थे, वो जो हमें करने को कहा करते थे हम वही किया करते थे, मगर आज माहौल टाइम सब कुछ चेंज हो चुका है। आज बच्चे पेरेंट्स को पेरेंट्स की तरह नहीं, वो चाहते हैं कि वो हमें एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करें, हमारी हर बात को समझें, अपनी हर बात हमसे अच्छे से शेयर करें। ऐसा आजकल के बच्चे चाहते हैं और पेरेंट्स को ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो चाहते हैं कि बच्चे जो है गलत रास्ते पर ना जाएं, उनसे कुछ छुपाएं नहीं, उनकी हर बात माने सुने, उनसे शेयर करें, तो पहले उन्हें उनका फ्रेंड बनना होगा। उन्हें इस तरह का माहौल घर में क्रिएट करना होगा जो बहुत ही कूल माहौल हो, जिसे हम बोलते हैं मतलब डर वाला माहौल और ओवर प्रोटेक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए। आजकल के टाइम के हिसाब से बच्चों को बहुत सारी बातें जो है हमें उनका दोस्त बनकर समझानी होगी, तभी बच्चे जो है सही रास्ते पर चल पाएंगे और जिंदगी को बिंदास होकर जी पाएंगे। ये था छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए बिंदास जिंदगी में। कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग जो हैं अपने बच्चों को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं और मतलब कि ओवर प्रोटेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं बच्चों को लेकर, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के इस बिहेवियर से बहुत ही हैप्पी हैं, यानी कि उनका जो फ्रेंडशिप का बिहेवियर है अपने पेरेंट्स के साथ, कितना इस बिहेवियर को लेकर वो खुश होते हैं, कितना उन्हें अच्छा लगता है इस तरह से घर का माहौल, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, फिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर बिंदास जिंदगी में, और आप देखते रहिएगा यस टीवी।